Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the common mistakes which often students and non-native speakers commit. It may be the mistake in the use of tense it may be the mistake in the placement of word and in the use of relative pronoun and noun and pronoun antecedent. <laughs> टेंस के इस्तेमाल में वर्ड के इस्तेमाल में रिलेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल में नाउन प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में सो देखें आई हैव सीन अली यस्टरडे अब ये बात पास टेंस की कर रहा है और टेंस यूज़ कर रहा है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सो दिस इज़ अ ग्रामीटिकली इनकरेक्ट. आई हैव सीन अली येस्टरडे नहीं होगा आली येस्टरडे दिस इज करेक्ट सेंटेंस इस तरह से दूसरा सेंटेंस है हमारे पास वी वर लिविंग हीयर सेंस अप्रैल वी वर लिविंग हीर सेंस अप्रैल ये टेंस यूज कर रहे हैं पास कंटिन्यूस ठीक है सेंस दे रहे हैं प्रजेंट परफेक्ट का मगर दिस इज़ ग्रामेटिकली इनकर होगा वी हैव बिन लिविंग हीयर सिंस अप्रैल दिस इज ए ग्रामीटिकल करेक्ट सेंटेंस अच्छा बच्चे बाज़ात डबल फ्यूचर टाइम्स यूज कर जाते हैं एक ही सेंटेंस में देख देखें हमारे पास एग्जाम्पल है आई विल फोन यू वन आई विल अराइव दिस इज़ ए ग्रामेटिकल इनकरेक्ट जब एक पार्ट आपका फ्यूचर का है तो दूसरों को सिंपल रखते हैं ठीक है डबल फ्यूचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है देखें हमारे पास सेंटेंस है करेक्ट जो सेंटेंस है आई विल फोन यू वेन आई अराइव ठीक है दिस इज़ ए ग्रामेटिकली करेक्ट अब देखें दूसरा सेंटेंस है हमारे पास आई एम बॉर्न शिकागो अब बात कर रहा है पास्ट की यूज कर रहा है प्रेजेंट टेंस दिस इज अगेन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आई वॉज बॉर्न इन शिकागो ठीक है इस तरह से हमारे पास दूसरा सेंटेंस है एवरी बॉडी व लेट एवरी बॉडी व लेट एवरी ईच के साथ मैंने पहले भी बताया है कि एवरी ईच एंड सम अदर वर्ड्स जो कि मैंने एक लिस्ट पूरी बताई थी कि वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो यहाँ पे पिलूलर वर्ब यूज किया गया है दिस इज अ ग्रामेटिकल अगेन इन करेक्ट एवरी बडी वॉज लेट होगा ठीक है अच्छा दूसरा सेंटेंस है हमारे पास द मैन वच लेव हीयर इज़ फ्राम ग्रीस देखिए विच जो ये यूज़ होता है ये मोस्टली मोस्टली यूज़ होता है नॉन लिविंग्स के लिए तो हम लिविंग के लिए यूज़ करेंगे द मैन हु लेव्स हेयर इज़ फ्राम ग्रीस हु यूज़ होगा विच यूज़ नहीं होगा ये भी देखें लेटर प्रोनाउन की मिस्टेक है